कभी रामगढ़ अपराध का एक अड्डा था, आज पर्यटन का एक केंद्र है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कवि रवि किशन जी के साथ राम पड़ताल के किनारे फिल्म की शूटिंग में आप भी शामिल हो जाइए, आपको भी लगेगा कि आप भी यानी मुंबई को फेल कर देगा जब वहां फिल्मों की शूटिंग होती है। और अब हम लोगों ने वहां एक जू भी दे दिया है, चिड़ियाघर भी दे दिया है, ये जितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है, आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है, सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं का समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आप पर आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है, विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। ये बाढ़ की परियोजनाओं को एक साथ लोकार्पित करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं आभारी हूं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरा देश उनको देखना होता है, देश के अंदर बाढ़ की समस्या, देश के अंदर सूखे की समस्या, देश के अंदर पेयजल की व्यवस्था, देश के अंदर स्वच्छता की समस्या, देश के अंदर हर उस समस्या जो जल और जल से जुड़े हुए विभागों की है, पूरे देश के अंदर उस समस्या के समाधान करने के लिए वो नाम है प्रधानमंत्री जी ने वो नाम दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, लेकिन अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके वे उत्तर प्रदेश में आए और आज गोरखपुर की इन परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के स्वयं साक्षी बने, उनका मार्गदर्शन उनका आशीर्वाद यहां की जनता जनार्दन को प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से उन्हें उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये परियोजनाएं आपके जीवन में फलीभूत हों, आपके जीवन को और आपकी जीविका को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगी, तो हम सबकी मेहनत सार्थक होगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हृदय से मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपको इन योजनाओं की ढेर सारी बधाई व्यक्त देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।